जितना हमारा टैक्स आ रहा है ना आपदा से, हम तो भर रहे, तो मैं तो टेंशन ही नहीं। लेकिन वो कोई वो नहीं कर रहा, कहते गवर्नमेंट सर्विस है, साथ में तो इस वाले से काम कराओ, बाकी तो फायदा है उसमें। मैंने आप तो फाइलर वैसे ही हो नहीं, एक्टिव फाइलर हो तो सेल अभी आप चीज़ें जो सेल परचेज करते हैं उसमें प्रॉफिट लेते हो आप फाइलर? वही कह रहे हैं लें तो फिर उसका पूरा वो करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी सरकारी मुलाजम को कोई रोला ना पड़ जाए। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल बिजनेस को कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है, सही कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद या बेटा जवान है जो उसके नाम होता है। उसको तो टेंशन ही नहीं होगी ना, उसका जो भी बिजनेस है सारा उसकी विरासत दिखा देगा ना। हाँ विरासत में सही है। तो विरासत को कोई नहीं पूछ सकता, विरासत को कोई नहीं पूछता। अब वो सोना भी मैंने वो गिफ्ट में डाला ना, शादी गिफ्ट। किसका सोना? सोना चांदी सोना। कितनी आमदनी दिखाई है किसकी? अपनी। अपनी तो वो जो इनकम टैक्स में है वही है। सैलरी? सैलरी। अपना तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं ना। आप एक्टिव फाइलर हैं? एक्टिव फाइलर हैं। क्यों बैठो? कुछ नहीं होता है। कोई नहीं, टैक्स लगता था। एक ने फाइलर तो उठ के खड़े हो गया। एक लिख अगला, लिख अगला पेज भी लिख, तू भी लिख ले अकेले। अली अब्बास ने गीले को हाथ पकड़ के लिखवाओ ये दो तीन लफ्ज। आप रिटर्न खुद भरिए। तनख्वाह किधर खर्च की है? सारे अखराजात यही है, खाने पीने में डाल दिए, कुछ खरीदारी में डाल दिए, बस सेविंग है नहीं। सेविंग नहीं है तो प्लान कैसे लोगे? तो सोने का लूंगा ना। अच्छा। कुछ सेविंग है ना, 1,20,000 पिछले साल है, कुछ और ऐड कर दूंगा 1,20,000 और सेविंग कर दूंगा, 2,00,000 ही हो जाएगा, 10,00,000 का सोना हो जाएगा, 12-15,00,000 वही बनेगा। उस पर वो फाइलर इनकम टैक्स, टैक्स तो वो जो फाइलर का है वही पे करूंगा ना मैं, एक्टिव फाइलर। पर वो ये है कि जस्टिफाई होगा कि प्लाट कैसे लिया। नहीं जस्टिफाई होगा, हाँ। एक भी टैक्स होता है, टैक्स तो होगा, वो जो फाइलर देगा उसका होगा ना टैक्स। अस्सलाम वालेकुम। इधर हाँ, इधर सादिक साहब वाले रूम में आ जाएं, इधर सिग्नल सही आ रहे थे। ये इन्होंने बताया था ये मोबाइल यूज़ करते रहते, इन्होंने बताया था कि यहाँ यहाँ सिग्नल ठीक आते हैं, यहाँ आओ। एक दिन मुझे याद परेशान था, मैंने क्यों कहता यार आवाज नहीं आ रही, बात करते मैंने कहा तू तो देखी उधर चला, कहते वो खास बात है चला तो जान इधर आ, कहते यार वो तो स्पेशल है कुछ जगह। इधर को मेरे ख्याल में कोई टावर का होगा ना चक्कर, मेरे घर में सारे पूरे घर में कहीं नहीं आते, एक ड्राइंग रूम में आते सिर्फ फुल। अच्छा जी इधर आ रहे हैं तो वो सिग्नल जैसे वो टावर का करती है। खाली नान फैदा रखे भरे रखो बजे, नान फैदा रखे खाली भरे रखो बजे। या भी ये आपके नाम पर रजिस्टर है ना ये वाली सिम तो? जी जी 03600635513। मैंने सारे कमरे पहले उधर थे, मैंने आपको पता टावर इधर लगा। ए जल्दी मुकम्मल करो।
ईमेल एड्रेस आपका ये ऊपर मलिक इमरान ईमेल आई WHO फायदा उन लोगों के जो प्रॉपर्टी दे ये चीज़ें अपने से लग परचेज करें सब कुछ मिला गोल्डन प्लान सब कुछ मिला रेजिडेंशियल अपने नाम है कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल जो है ना वो अभी मैन वाला है क्योंकि वो रेंट स्पेसेस का उसको रेंट देना होगा। अच्छा ये एड्रेस इंफॉर्मेशन है टाइप पब्लिक प्रॉपर्टी। अच्छा जी प्रोजेक्ट मिक्स ये रिलीजियस प्रॉपर्टी है वो बस ठीक है जरा ही कर देते हैं ना। कितनी ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ तो इस वजह से फिलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। कह रहा है कि यूनिट और कॉम्प्लेक्स ये तो ला दो यूनिट नंबर यहाँ कोई है स्ट्रीट स्ट्रीट एरिया क्या कल है ये यूनियन काउंसिल कौन सी है वो नंबर उसका 122 है। ये सारे साहब वाला कमरा चुंडे एंड साहब के कमरे बैठना है एंड वाला पहले वाला Yeah.
है या प्रॉपर्टी है? कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल है, अब्बा के साथ रहते हैं ना उसको करके दे। रेजिडेंशियल आप यूँ करेंगे ना, आपके ओनर नहीं करेंगे ना आपका, आप उनके टेनेंट हो गए, अब्बा जी के पास आपका तो नहीं है ना, अब्बा जी के घर में रह रहे हैं, हाउस है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे ये फॉर्म नहीं आ रहा ना ये देखे। अच्छा चलो दोबारा चेक करते हैं, एग्रीकल्चर आप आ रहे हैं, हाँ एरीगेटेड है, फार्म हाउस बनाया हुआ है या अनकल्टीवेटेड, हाँ ये जिसमें आप बोते हैं, हाँ, काश्त कर सकते हैं। अब स्क्वायर मीटर में, एकड़ में, मुरब्बा में, कनाल में, कनाल में कितने, 13 हो गए भाई आपको डोंट डोंट में मार गया। अस्सलाम वालेकुम सर, यूनिट देखे ना पुलिस ने, हाजी साहब ठीक है, एक मिनट बैठो, एक मिनट जरा, दो मिनट बैठे हैं जरा फिर चलो। सर इसका कोई यूनिट नंबर भी है अपना? नहीं यूनिट नंबर नहीं, लैंड का कोई यूनिट नंबर होता है इसका? यूनिट नंबर क्या होगा? 34 या 33। आपके पास पासपोर्ट वो आ ही नहीं रहा ना ऑप्शन, और ठीक है। लेकिन ये सारा फलाना रोड अब आ जाएगा ना, सही कुछ 53 में आप अगर मुल्तान पहले पढ़े कह रहे भी आ रहा, मुल्तान के कौन कौन से एरिया हैं? मुमताजाबाद देखो, मुमताजाबाद है जो क्लस्टर हो रहा है, हाँ नहीं कैंट है, सदर आएगा नीचे कर, सदर सदर नहीं है मुमताजाबाद है, हाँ सदर सदर है ही नहीं, हाँ मुमताजाबाद आएगा, टाउन आता भाई टाउन होता था ना, हाँ मुमताजाबाद टाउन ये रहा मुमताजाबाद, हाँ मुल्तान फिर मुमताजाबाद नीचे लास्ट पे आने, ये मुमताजाबाद फिर मुल्तान कैंट आता है, डिस्ट्रिक्ट तो मुल्तान है ना, टाउन मुमताजाबाद, डिस्ट्रिक्ट तो मुल्तान ही आना है ना, टाउन मुमताजाबाद है भाई, ठीक है। ये वो है ऑटो है, यानी कि यहाँ से हम जिसको सिलेक्ट करेंगे ना वो आएगा, तो यहाँ से कि हम मुल्तान सिलेक्ट, शुजाबाद मुल्तान कैंट शेर शाह मुल्तान कैंट, मुल्तान मुल्तानाबाद भाई सिलेक्ट तो सही है, सही है मुल्तानाबाद इधर, अब ये नहीं ये ऑटो है, ये देखो ना ये ऑटो है, ये सिलेक्ट होता था तो ये नीचे सबमिट करना बस, क्या अच्छा ये अब 100 क्या आपका, यानी कि आपके नाम ही है ना, तो आप ये हैं ओनर, ओनर जिस पार्ट प्रॉपर्टी को होगा उसका शेयर पूरे आपके ही होंगे, वो जो वर्ड्स आते हैं ना लिखे हुए वो आएंगे, डिफ
फ्रेश के ये सारा आप बताएं आप क्या क्या चीज रहते हैं वो आएगा ना अभी तो आगे ये इनिशियल है ये न्यू रजिस्ट्रेशन हो रही है फिर उसमें पूछते हैं ऐसे ही डालने असल में आते हैं यहाँ तो इसलिए कि आप फिर उसी से टैली करते हैं अब आ गए ना ये अब ये आर लिखने बड़ा वाई लिखने छोटा वाई लिखने और याद कर रहे नहीं ये रैंडम है ये इसका याद करने के लिए आपके SMS भी आया होगा और कोड आया होगा ईमेल पे मैं बस मैं जा रहा हूँ बस ये दो 3500 बस बस ये इसमें देखो SMS भी जो आए सिम पे भी आए होगा अच्छा सिम पे जो आएगा ना उसे यहाँ डाल के ना आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है ठीक है 123 की जगह हाँ 1234 मैं ज़रा ये इनका पता है आ जाएगा थोड़ा सा वेट करना है यहाँ सिग्नल नहीं आते हैं अब पिछू डेक सिर मरे ने परा थी कर उठी मन परा थी मन Thank you.
Thank you.
दोबारा किया दोबारा फिर आएगा, पहले मैसेज वाला देख लें, मैसेज पे आ जाएगा मेल को तो आ ही जाता है। दो कोड है ना, ये SMS है और ये ईमेल, ठीक है ना। SMS कोड होगा, ईमेल कोड वो आ गया आपके ईमेल का नहीं, जो ये भेजते हैं उसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए हैं? आसान आसान करके नंबर आ जाए, इतने अच्छे टॉप कर लेगा। इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स में कौन से होती हैं चीज़ें? इकोनॉमिक्स में तो ये मुआशियात होती है ना सारे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये तरी तो तजारत तजूरत का तजारत वाला सिस्टम, इक्तसादी अमूर जो होते हैं ना, इक्तसादी मुल्क वो ये रखना चाह रहे हो। FFSE में तो बिल्कुल बेसिक होती है इकोनॉमिक्स। हाँ, ये तो बच्चों में कौन सा कम्बिनेशन रखना चाह रहे हो? ठीक है, कंप्यूटर इस्लाम में होता है, इंग्लिश में ही होगा। अब बस कर, पहले कंप्यूटर पढ़ा है, बायो पढ़िए पहले। ये किसी और का है? ये तो मेरा है। देखो ईमेल पे दूसरा आया, ठीक है, ये कम्बिनेशन भी अच्छा। तीन ये होंगे बाकी, उर्दू इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश इस्लामिया और तर्जमतुल कुरान, तर्जमतुल कुरान नया। अच्छा, ये रखने से पहले ना उधर पूछ भी लेना, जो टीचर हैं अक्सर में टीचर नहीं होते, पूछ लेना सर ये कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक और इस्लाम में क्या है, इसके टीचर हैं, यानी कि सारा फॉर्म फिल कर देना, ये तीन सब्जेक्ट वाली जगह छोड़ देना। करना इसको क्लिक करो, मैसेज किया तो मैसेज तो आज होते हैं, ये तो है 35-2500 दोनों भी 35-2500 दोनों पे ये नहीं है ना एरर, उस पर लगाना चाहिए, ऐड कर लो जरा।
ये चीज़ें भी साथ अटैच करा के लेके जाएंगे। इसको बाहर ले पुलिस में आर्मी में जहाँ एफ एस सी वाले अप्लाई कर रहे हैं वहाँ एफ वाले भी कर सकते हैं। कुछ हैं जैसे एयरफोर्स है वो सिर्फ एफ एस सी लेती है, आर्मी जो है ना वो एफ ए भी और एफ एस सी भी नंबर उनके बेस पर लेते हैं। ठीक है, बाकी साथ साथ अपनी तैयारी करते रहो। आया सर नंबर तो ये ही है ना 0300365. ठीक है, मोबलिंक नहीं है ना? जी जी मोबलिंक नहीं है। यहाँ नहीं है, एक दफ़ा हम देख लीजिए तो तुम लोगों को ये वही है, यहाँ अपना रोल नंबर लिखेगा, ये तो तब लिखेगा जब वहाँ से वो आगे कराएंगे, फिलहाल तो तुम उसको अभी छुपा के रखिए। कुछ काम है ये फिलहाल, इसको करके दे बस तस्वीर ये सारी चीज़ें। एफ बी आर ही लिखो होगा उसके ऊपर, जी ओ पी एफ बी आर इस तरह का, या कोड होगा तो कोड से लिखो। दो ऐसे वाले कोड भी हो सकते हैं, कितने बजे पीरियड ख़त्म होना था सर का, कितने बजे पीरियड ख़त्म होना? नहीं वो तो फिर कोई भी किसी का बना देगा, इसलिए दो जगह अलग अलग कि आप अगर ईमेल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नंबर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही सारी यही दो पासवर्ड होते हैं ईमेल और उसके, यही इसी के ऊपर सारा लॉगिन बेस करता है, वकील इसी के ऊपर बनाते हैं, ये डाटा वो कर लेते हैं सेफ, फिर आपका दोबारा नहीं बन सकता।
get the login to IRIS by entering your registration number, which is your CNIC, and password which has been sent on your cell number and email address. देखो password कोई आया है? Password देखना कोई आएगा? Mail पे check करी? बंद करके दोबारा आगे चला गया वो पासवर्ड है उस पर भेज दिया और आपका ये दोनों चीज़ें सेव कर लेते हैं।